हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हेल्पफुल टिप्स में। अगर आपके भी 100 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं तो आप अपने जो चैनल का लिंक है उसमें अपने चैनल का नाम लिख सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो में आगे की ओर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं वीडियो में। सबसे पहले आप जाएं गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम पे जाने के बाद यहाँ पे लिखें यूट्यूब, myyoutube.com, my YouTube चैनल पे जाएं। और यहाँ पे थ्री डॉट पे जाने के बाद यहाँ पे डेस्कटॉप साइट पे सेलेक्ट करें। डेस्कटॉप साइट पे सेलेक्ट करने के बाद आप अगर आप कभी किसी दूसरे आईडी से लॉगिन हुआ है तो आप जिस अकाउंट से करना चाहते हैं उस अकाउंट का लॉगिन करें, उस अकाउंट से लॉगिन करें। बाद में यहाँ पे माई यूट्यूब चैनल पे जाने के बाद यहाँ पे शुरू में लिखा हुआ है क्रिएट यूट्यूब चैनल पे जाने के बाद दोस्तों ध्यान रहे कि यहाँ पे थ्री डॉट पे डेस्कटॉप साइट होना चाहिए। थ्री डॉट पे जाने के बाद यहाँ पे डेस्कटॉप मोड में इसको सेलेक्ट करें। आपके सामने आपके चैनल का पेज ओपन होगा। कुछ इस तरह से बाद में आप यहाँ पे कस्टमाइज चैनल पे जा सकते। जाने के बाद ऊपर लिखा हुआ है कस्टमाइज चैनल। कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करने के बाद आपका पेज कुछ इस तरह से ओपन होगा। बाद में आप यहाँ पे दाहिने हाथ पे एक एडिट का निशान दिखाई दे रहा है छोटा सा। आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एडिट लिंक। एडिट लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन होगा पेज। बाद में आप यहाँ पे जो सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे अपने चैनल का नाम सेट कर सकते हैं। जैसे मेरे चैनल का नाम है यार हेल्पफुल टिप्स। मेरे चैनल का नाम थोड़ा बड़ा है तो इसलिए वो वहाँ पे फिट नहीं हो रहा है। तो मैं कुछ इस तरह से करता हूँ। बाद में आप यहाँ पे डन के निशान पे सेट कर दें तो कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन होगा। जैसे यहाँ पे www.youtube.com और arhelpfultips, तो पूरा नहीं आया है लेकिन arhelpful पूरा नहीं आया, लेकिन आपके चैनल का नाम छोटा है तो यहाँ पे एकदम बढ़िया से आएगा। इसके बाद अपने फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे आप इसे सेट कर सकते हैं, जिससे आपके दोस्तों को या आपके सब्सक्राइबर्स को देखने में भी अच्छा लगेगा। तो शुक्रिया दोस्तों वीडियो वॉचिंग के लिए। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस करें।